ఢిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. భారత్ కే ప్రణ కీ జీత్ హై, యే సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్ ఇస్ మంత్ర కీ జీత్ హై. 140 కరోడ్ భారతీయో కీ జీత్ హై. భాయ్ ఔర్ బహనో, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा. चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया. करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया. हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया. भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है. इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है. और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है. ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात. और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए. इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है. जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है. और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है. मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं. मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं. सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी. भाजपा के